तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर हान को सबक सिखाने के बाद वहां से जाते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर दाई, अगर तुम चाहो तो सारे मार्शल आर्ट स्कूल तुम रख सकती हो, और ये बोलकर वहां से जाने लगता है। और ये सब सुनने के बाद दाई भी बस उसे जाते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है, ब्रदर जियांग, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, आखिर इन पिछले 3 सालों में ऐसा क्या हो गया। तभी सीन चेंज होता है और जियांग को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश था और अपने मन में सोच रहा होता है, देखा, इसको कहते हैं जलवा। पावर छिपाने के बाद इसको सबके सामने शो करने का एटीट्यूड ही अलग लेवल का होता है। और जियांग इतना कहकर एक दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है बहुत सारे स्क्रोल्स हवा में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है। जियांग भी लाइक, ये तो 3rd फ्लोर है और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से आ गया, लगता है वो सारी की सारी बातें रूमर्स थी कि यहाँ पर सिर्फ सेक्ट लीडर ही आ सकते हैं। और जियांग उस फ्लोटिंग स्क्रोल को देखकर बोलता है, अरे बाप रे, यहाँ पर तो सारे के सारे 8 परफाउंड ग्रेड के हाई लेवल मार्शल आर्ट हैं। और तभी उसका ध्यान ऊपर की ओर जाता है जहाँ पर एक टर्टल की मूर्ति दिखती है जो एक स्क्रोल को अपने मुंह में पकड़ी हुई थी। और तभी वो इसे देखकर बोलता है, ओ माई गॉड, ये तो परफाउंड ग्रेड की भी ऊपर का लग रहा है। और तभी वो बहुत बड़ी छलांग लगाता है और जैसे वो स्क्रोल को लेने वाला होता है तभी टर्टल की आंखें चमकने लगती है और एक शील्ड अपेयर हो जाता है। तभी जियांग को उससे झटका लगता है और वो पीछे की ओर धकला जाता है। जियांग भी लाइक, जैसा कि मैंने सोचा था, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, तो चलो अब देखता हूँ कि तुम इसे कैसे रोकोगे। और ड्रैगन केचर से उस टर्टल पर हमला कर देता है। तभी एक दूसरा अटैक आता है और जियांग के अटैक को खत्म करते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है। और जैसा ही अटैक जियांग को लगता है वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और उसे एक एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है। सीन चेंज होता है और हमें उस टर्टल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर रोशनी चमक रही होती है। और तभी वहां पर एक बूढ़ा हुआ पेड़ होता है जिसने जियांग पर अटैक किया था। बूढ़ा हुआ भी लाइक फुल एटीट्यूड में, आखिर किसकी हिम्मत हुई इस कछुए को छूने की। अपना जियांग सोचता है, क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, ये तो होली लैंड के एमिसरी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में होंग्यू सेक्ट के पास इस तरह का पर्सन भी एग्जिस्ट करता है। तभी वो बूढ़ा बोलता है, ये तो एक जवान लड़का है जो कि सिर्फ 5 एलिमेंट के रियल पर है और इसने उस काउंटर अटैक को भी रोक लिया। बच्चे, क्या तुम जियांग सेक्ट के डिसेंडेंट हो, वो भी बोलता है, बुढ़ाऊ तेरी माँ का, तुमने मुझे मार ही डाला था, और क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये होंग्यो सेक्ट है ना कि तुम्हारा जियांग सेक्ट। बुढ़ाऊ भी लाइक, क्या मार डाला था, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। और एक अटैक करते हुए बोलता है, ये दोनों ही सेक्ट बिल्कुल ही बराबर है और तुम यहाँ पर आ गए बिना जाने, अभी पता चल जाएगा कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा ओरिजिन क्या है। और जैसे ही वो अटैक को जियांग देखता है वो बोलता है, अरे बाप रे, ये तो एक सोल सर्चिंग टेक्निक है। और बुढ़ाऊ को जियांग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो भी लाइक, हाउ इंटरेस्टिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फाइनली मेरा जुआनियो सेक एक प्रतिभा को खोज निकाला। मेन कैरेक्टर भी डरते हुए बोलता है, अरे यार नहीं, इस बुढ़ऊ ने तो सब कुछ देख लिया। बुढ़ऊ बोलता है, बच्चे तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स है जिन्हें मैं भी नहीं देख पा रहा। दिलचस्प, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, फिर मुझे तो लगा कि सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल गया। बुढ़ऊ बोलता है, जैसा कि तुम जुआनियो सेक के डिसेंडेंट हो इसलिए चाहो तो तुम 8 मार्शल आर्ट को सीख सकते हो, और रही बात उस कछुए की तो उस स्क्रोल को भूल जाओ। इन सारी बातों को सुनकर वो बोलता है, क्या तुम सच में इन लप्पू सी तकनीक को देखकर यहाँ से भागना चाहते हो। तुम बे बुढ़ऊ, अगर हेवेली एम्परर भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, उसकी भी औकात नहीं होगी कि वो मुझे उस स्क्रोल को लेने से रोक सके। बुढ़ऊ भी गुस्से में बोलता है, जिस तरह का तुम्हारा कल्टीवेशन है कि अगर तुम चाह भी लो उस स्क्रोल को सीखने की, फिर भी तुम उसे नहीं सीख पाओगे। इस मार्शल आर्ट को सुप्रीम मास्टर ने बनाया था, इसे सीखने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को एक्सटिंग्विश करना होगा और ये सब सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और जब मैंने इसे सीखा था तब मैं इमोर्टल रियल्म पर था, लेकिन तुम बेटी चोत, तुम तो नल्ले हो, अगर तुमने इसे सीखने की भी कोशिश की तो तुम मर जाओगे। वो भी लाइक, अरे बुढ़ाऊ अपन भगवान है और अभी तक मैंने तो कोशिश भी नहीं की और तुम पनौती बके जा रहे हो। तभी मन में सोचता है, जैसा कि मेरा इस टाइम कंडीशन है, मैं होली लैंड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे इस मार्शल आर्ट की जरूरत है। बुढ़ाऊ बोलता है, तो ठीक है चलो देख लेते हैं। और तभी अचानक जमीन से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर मेन कैरेक्टर को जकड़ लेते हैं। वो भी, बीसी अब ये क्या है। बुढ़ाऊ, अगर तुम ठाने लिए हो तो चलो देखता हूँ कि तुम कितने केपेबल हो और क्या तुम इसे सीखने के लिए वर्दी भी हो। और ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, और देखो ये मेरा ट्रू क्यू आई है, अगर तुमने इसे संभाल लिया तो वो सारी तकनीकें मैं तुम्हें दे दूंगा। और तभी जियांग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है और मन में तभी सोचता है, इस ट्रू क्यू आई ने तो मेरे सारे के सारे मेरिडियंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे और भी झेल सकता हूँ। तभी सिस्टम से एक्सपीरियंस पॉइंट की बौछार हो जाती है और अचानक एक बहुत बड़ा पावर अप होता है। और ये देखकर बुढ़ऊ भी हैरान होकर बोलता है, आखिर ये क्या चल रहा है। तभी जियांग को दिखाया जाता है जिसके कपड़े फटे हुए
थे। वो भी बोलता है, बीसी अगर मैं इमोर्टल ना होता तो अनगिनत बार अब तक मर चुका होता। बुढ़ो भी लाइक फुल शॉक में, अबे ये क्या, इसने तो सच में मेरे ट्रू क्यूआई को झेल लिया। तभी टर्टल की आंखों से एक लाइट निकलती है जो मेन कैरेक्टर को किसी अलग ही डायमेंशन में ले जाती है। वो भी बोलता है, अब ये मैं कहां पर आ गया। बुढ़ो बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा हेवेनली वर्ल्ड है। वो भी क्या हेवेनली वर्ल्ड, और सोचता है अगर रूमर्स की माने तो सिर्फ हेवेनली रियल्म के बंदे ही अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे लोग चारों होली लैंड में एकदम ना के बराबर हैं। तभी बुढ़ो भी बोलता है, अब क्या करे, आखिर किसने सोचा होगा कि एक बंदा जो कि फाइव एलिमेंट के रियल्म पर हो वो मेरा इनहेरिटेंस और मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। सच में तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। सारी बातें सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, वैसे बुढ़ो इतना कांड होने के बाद मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम लिंतियान है और मैं सिक्स जनरेशन का डिसेंडेंट हूँ और तुम मुझे अपना बाप अपना एंसेस्टर बुला सकते हो। जियांग विलाय, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आप चाह ले तो होंग्यू सेक्ट को पूरे होली लैंड के बराबर ला सकते हैं और आप में ये कैपेबिलिटी भी है, पर आप यहाँ पर बिल्कुल चुप है, आखिर क्यों। तभी बुढ़ाऊ बोलता है, मैं तो मर चुका हूँ तो आखिर कैसे उन चारों होली लैंड के खिलाफ कम्पीट कर पाऊंगा। वो भी पूरे शोक में, क्या आप मर गए। तभी बुढ़ाऊ बताता है और स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। ये 200 साल पहले की बात है जब सेज रियल पर मैं ब्रेक थ्रू करने वाला था। उस टाइम में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तभी चारों होली लैंड ने मिलकर मुझे घेर लिया और मुझे मार डाला, बस मेरा ये सोल ही बचा हुआ है। लेकिन अपुन ने भी बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया। अरे मैंने तो उन लोगों की फाड़ की रख दी थी, लेकिन क्या करूं, मैं तो मर गया और मेरे मरने के बाद जवानवर सेक्ट में कोई भी पावरफुल बंदा नहीं बचा और आगे की बात तो तुम्हें पता ही होगा। वो तो अच्छा है कि होली लैंड को इस इनहेरिटेंस का लालच था, वरना जवानवर संप्रदाय बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता, यहां तक कि हमारी विरासत भी चली जाती। ये सब सुनने के बाद जियांग भी सोचता है, मुझे नहीं पता था कि इस सेक्ट के भी इतने सारे सीक्रेट्स हैं। बुढ़ो बोलता है, जैसा कि तुम जवानवर सेक्ट के डिसाइपल हो और तुमने प्रूव भी कर दिया कि तुम इस तकनीक के लिए वर्दी हो, इसलिए आज से ये मैं तुम्हें देने वाला हूँ। बस आशा करता हूँ कि तुम इस सेक्ट को आगे ले जाओ। वो भी, अरे बिल्कुल, ये तो मैं जरूर करूंगा। बुढ़ो बिलायक, ठीक है, अब मैं तुम्हें उस तकनीक को सिखाने वाला हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, ये ब्लैक ताविश तकनीक कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये बॉडी रिफाइनिंग के लिए एक स्पेशल तकनीक है। तभी उस स्क्रोल को दिखाया जाता है जो टर्टल के मुंह पर था और बुढ़ो बोलता है, ये तकनीक 12 पार्टों में डिवाइड है और मरने से पहले मैं सिर्फ 8 को ही सीख पाया। अगर तुम इसके फर्स्ट पार्ट को भी सीख जाओ तो तुम ट्रू मार्शल के बराबर आ जाओगे। आई होप वो दिन जरूर आएगा जब तुम मुझे सरपास कर पाओ। और इतना बोलकर वो तकनीक जियांग के फोरहेड में डाल देता है। जियांग बिलाई, क्या गजब की स्किल्स हैं, ये कहीं भी एम्परर कल्टीवेशन मेथड से कम नहीं है। और ये सीखने के बाद अब मजा आएगा ना। सारे के सारे बंदों को खत्म कर दूंगा। तो गाइस, इतना बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।